So guys, after my thumbnail, this is my close-up look of my look, you know, matte smoky eye ka ek close-up look hai. You can just see it ki look mein maine kya exactly achieve kiya hai. Dekhne se hi some of the people will recognize ki what exactly has been done, what kind of work has been done. And I'm just comfortable to open my hair and show it to you guys. I'm not, you know, good at styling my own hair for any events, not specifically for videos, guys. And just to begin with this look, guys, main hamesha ki tarah toning kar rahi hoon for organic rose water from T&W se. Then organic lip balm bhi hai from Juicy Chemistry ka hai ye lip balm, and this is my second bottle. And pons ka maine lightweight light gel moisturizer apply kiya hai for my oily combination skin. Agar aapki oily combination skin hai to aap gel based moisturizer and primer use kar sakte ho. And I'm just prepping my skin to just begin up my makeup. Moisturizing kar rahi hu guys. Moisturizing ke baad aapko massage bahut acha dena hai. And as usual main primer kar rahi hu. Sabse pehle main nose ki taraf aur you know apna jo गाल का एरिया है वहाँ पे ही अप्लाई करती हूँ, बिकॉज आई फील वहीं पे सबसे ज़्यादा मेकअप आपका यू नो क्रैक होता है, केकी होता है, बिकॉज ऑफ योर ऑयल प्रोडक्शन एंड ओपन पोर्स. आपके स्माइल लाइंस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड आई एम जस्ट टेकिंग अप टू पम्प ऑफ फाउंडेशन. हमेशा फाउंडेशन टू पम्प ही लेना है गाइज, फॉर एनी थिंग, एनी फाउंडेशन, एनी सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन, टू पम्प इज़ जस्ट इनफ, इंक्लूडिंग योर फेस एंड नेक एंड एवरी थिंग गाइज. दो पम्प से ज़्यादा मत लीजिएगा गाइज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड अगर आपको एक ही लगता है, देन यू आर वेरी लकी दैट यू डोंट नीड यू नो अ मच अ कवरेज, और यू लाइक टू डू पर्सनली अ लेस अ कवरेज मेकअप. मैं पहले ये कंसीलर ब्रश की हेल्प से रफली ऑल ओवर माय फेस अपने आईलिड्स एरिया पे यू नो डिपॉजिट कर रही हूँ, इंक्लूडिंग माय नेक्स. देन मैं ये एक काबुकी ब्रश मैंने अपने हाथ में लिया है, एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट ओवर टू ऑल ऑफ माय फेस, ईयर्स एंड माय नेक एरिया. गाइज, योर नेक शुड नॉट लुक डिफरेंट, आपके स्किन टोन से डिफरेंट नहीं लगना चाहिए. एंड मैं ब्रश की हेल्प से जस्ट उसे ब्लेंड कर रही हूँ. देन आफ्टर दैट आई एम यूजिंग वेट ब्यूटी ब्लेंडर एक नेचुरल फिनिश देने के लिए, और भी ज़्यादा यू नो नेचुरल बेस, वेरी स्लीक बेस का लुक आने के लिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस यू नो ब्यूटी ब्लेंडर. अदरवाइज ब्रश भी करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील. एंड आई एम यूजिंग कंसीलर फ्रॉम लैक्मे 9 to 5 रेंज इन द शेड आइवरी, आई बिलीव एक लाइटर शेड का है, जस्ट टू हाईलाइट माई फेस फीचर्स, जो भी मिडिल पार्ट है वो सब मैं कर रही हूँ. कंसीलर आप आईलिड्स एरिया पे और बिलो ऑफ योर आई एरिया पे आप अप्लाई करिए. पर्सनली आई फील गाइज, बिकॉज आपके आईलिड्स एरिया पे आप बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर करते हो, लाइक आई शेडो, कोल, पेंसिल, ग्लिटर्स. देन अगर उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज रहेगा, देन बहुत अच्छा रहेगा आपकी नेचुरल आईलिड्स के लिए, बिकॉज यू नो आपकी नेचुरल स्किन और नेचुरल थिंग शुड नॉट हैम्पर. तो अगर आप ज़्यादा कवरेज दे देंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस, देन बहुत अच्छा हो जाएगा वो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका लुक भी बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज आपने एक लाइट बेस दे दिया है, तो आपके जो कलर्स हैं वो वैसे ही आएंगे जैसे आपको चाहिए. इट विल नॉट लुक डिफरेंट आफ्टर डूइंग योर मेकअप गाइज. सो दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल हैक. एंड मैं उसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से वापस से ब्लेंड कर रही हूँ अगेन, जस्ट फॉर द नेचुरल फिनिश गाइज. ब्यूटी ब्लेंडर इज़ वेरी एसेंशियल गाइज फॉर योर बेस कवरेज मेकअप. एंड वन मोर थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, ओके, मैं बेकिंग भी कर रही हूँ साथ में, कि बहुत सारे लुक्स होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं गाइज, लेकिन एक टाइम पे एक लुक में जितने मेकअप की डिमांड होती है उतने ही कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज द लुक इज़ ऑल अबाउट कि आपको इस आउटफिट के साथ ऐसा ही दिखना है. तो आप उससे ना ही कम कर सकते हो, ना ज़्यादा कर सकते हो, उतना ही कर सकते हो जितना उस लुक को रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ योर ऑल ओवर फेस एंड योर इंटायर यू नो लुक, आप पूरा कैसे दिख रहे हो. आई एम जस्ट डूइंग कंटोरिंग गाइज, एंड ये मैं फेस मेकअप पहले ही कर रही हूँ. मैं कंटोरिंग कर रही हूँ, निक्स का पैलेट मैंने यूज़ किया है, नोज़ कंटोरिंग एंड फेस कंटोरिंग बहुत.
अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे गाइस, तो आपको मेरा पैटर्न मालूम होगा कि मैं पहले आई मेकअप कर लेती हूँ, देन फेस में आखिर में जाती हूँ. लेकिन नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग इट ओवर फॉर अ चेंज, लाइक यू नो कि मैं फेस का भी पहले कर सकती हूँ, बाद में आई का करती हूँ. तो वी शेप में मैं कंटूरिंग कर रही हूँ. ऑलवेज डू योर नोज कंटूरिंग इन वी शेप एंड यू कैन जस्ट सी द चेंजेस. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश गाइस. पिंक से भी बहुत लाइटर शेड है फॉर अ नेचुरल फिनिश. आई एम होल्डिंग अप द ब्लशर ब्रश फ्रॉम मास अगेन गाइस. कंटूरिंग के बाद मैं ये ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. बहुत अच्छा ब्लश है, बहुत अच्छा शेड है गाइस. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज ऑफ यू नो पाउडर ब्लश. आई एम सो सॉरी. एंड यू कैन सी हाउ एम आई डूइंग इट गाइस. नोज कंटूरिंग भी वी शेप में ही करना है, जिस तरह की भी आपका नोज का शेप हो, एंड में लाकर आपको वी करना ही है. एंड हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्वर हाइलाइटर फ्रॉम नायका डियो हाइलाइटर. और मैं हाई चिक बोन एरियाज पे भी अपने फेस के सिल्वर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ. नोज़ पे भी कर दिया है गाइस, बिकॉज ये ब्लू स्मोकी आई मेकअप है. एज यू नो कि ये एक कूल टोन फैमिली का कलर है, तो उसी तरह से सिल्वर हाइलाइटर इस लुक पे जाएगा गाइस. एंड थोड़ा थोड़ा मैं कलर थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करते रहूँगी जितना मुझे उस लुक के साथ याद आते रहेगा. एंड आई एम जस्ट फिलिंग अप माई ब्राउज गाइस विद द नेक्स्ट पैलेट अगेन. ये पैलेट के शेडोज इतने अच्छे नहीं हैं, आई डोंट लाइक पर्सनली, बट द कॉन्टोरिंग हाइलाइटर एंड ब्राउज का एरिया अच्छा है तो मैं यूज़ करती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मेकअप गाइज. मैं यही सोचती हूँ कि मैं किसको किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ, कितना मिक्स एंड मैच करके मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हूँ जस्ट टू क्रिएट लुक एंड जस्ट फॉर मोर अवेयरनेस कि यू शुड नॉट थ्रो योर मेकअप एंड यू शुड यूज़ इट बाई यूजिंग योर ओन ब्रेन. एंड ये कलर बार का एक मेरे पास पेंसिल है, शेड मैं आपको लिंक दे दूँगी. एंड इसे जस्ट मैं रफली डिपॉजिट कर रही हूँ टू द मिडल आई ऑफ माई एरिया. फिर मैं उसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ. और आपको थोड़ा सी फास्ट होना पड़ेगा बिकॉज वो कलर आपका ड्राई अपना हो जाए. ड्राई होने के बाद ब्लेंडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गाइस, बहुत पैची सा लगेगा. देन यू हैव टू बी वेरी क्विक, ब्रश एंड ऑल एवरीथिंग आपको रेडी रखना पड़ेगा गाइस. तो ब्लेंडिंग हो रही है एंड उसके बाद मैंने ये वेरी लाइट ब्राउन का शेड पिकअप किया है. एंड मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दोनों ही कलर को एक सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो सिंक लगे. एक ब्लू कलर अलग सा ना लगे और एक ब्राउन कलर अलग सा ना लगे, उसे मैं सर्कुलर मोशन पे कर रही हूँ ताकि वेल ब्लेंडेड लगे गाइस. एंड वन मोर थिंग गाइस, आई एम वेरी चूजी अबाउट टू चूज कलर्स. जैसे ब्लू कलर में भी मुझे ये ब्लू कलर की फैमिली का कलर बहुत अच्छा लगता है और रॉयल ब्लू अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक वेरी ब्राइट एंड वेरी नियॉन सॉर्ट ऑफ ब्लू कलर्स ब्लू कलर की फैमिली में से, तो मैं वही कलर चूज़ करती हूँ गाइस. एंड आई कैन वेट जब तक कि मुझे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिलेगा मार्केट में से. ऐसा आई एम दैट चूजी गाइस बिकॉज ग्रीन्स में भी आई हैव सर्टन कलर्स टू चूज इन ग्रीन्स एंड एवरीथिंग. तो ब्लू में आई एम सो स्पेसिफिक कि मैंने जो कलर रॉयल ब्लू कलर की फैमिली में से एक कलर पिकअप किया था मैं वही कर रही हूँ. एंड उसके बाद मैंने कोल अप्लाई कर लिया आई गेस फ्रॉम मैक स्टूडियो कोल का. लाइन अप्लाई करने के बाद मैंने स्मज आउट कर दिया है. लोअर लैश लाइन पे भी मैंने अप्लाई कर दिया है. एंड आई एम पिकिंग अप माई ट्रांजिशन शेड जो मैंने ट्रांजिशन किया था और मैं इसे नीचे भी लोअर लैश लाइन पे भी अब ब्लेंड कर रही हूँ आफ्टर अप्लाइंग माई काजल ऑन माई वाटर लाइन गाइज. तो ब्लेंडिंग यू कैन सी हाउ एम आई डूइंग इट गाइज. एंड द लेंसेज ब्राउन कलर के हैं, आप देख सकते हो. आई फील गाइज आई कैन नॉट यू नो एक्सपेरिमेंट मच विद माई ब्राउज. आई कैन जस्ट फिल इट ओवर बिकॉज मुझे मेरे आईब्रोज उस तरह के लगते नहीं है कि आई कैन यू नो डू मच थिंग्स. आई कैन जस्ट फिल इट गाइज एंड आई कैन जस्ट हाईलाइटेड एंड और कोई प्रोडक्ट आई डोंट फील सो मैं यूज़ कर सकती हूँ. देन मैंने ब्राउ बोन हाईलाइट करने के लिए सेम हाईलाइटर यूज़ किया है फ्रॉम नायका डियो जो मैंने एज अ हाईलाइटर अपने फेस पे अप्लाई किया है. एंड देन मैं उसे एक जस्ट बिना प्रोडक्ट पिकअप किए ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरा हाईलाइटर के साथ वेल ब्लेंडेड लगे ब्राउन पे जो मैंने लगाया है. देन अप्लाइंग माय लैशेस फॉल्स लैशेस फॉर दिस लुक. लैशेस को भी आप उसी तरह से लगाइए जैसे मैंने लगाए. लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं एंड दे फाइंड इट वेरी ट्रिकी टू अप्लाई द लैशेस. आप ऊपर से लगाइए, यू विल नॉट फील ट्रिकी एट ऑल.
एंड लोअर लैश लाइन पे भी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक रेंज एंड द लिपस्टिक इज़ फ्रॉम के ब्यूटी गाइस. आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूडिश पिंकिश ब्राउन कलर जो आई बिलीव ब्लू के साथ पिंकिश ब्राउन बहुत अच्छा जाएगा बिकॉज थोड़ा सी लाइट लग रहा था ऑन कैमरा तो मैंने टच ऑफ स्पाइस भी ऐड किया है फ्रॉम मेबलिन. ब्लू कलर है गाइस, ब्लू पिंक के अपोजिट बहुत अच्छा जाता है तो न्यूड पिंक रखा है बिकॉज आई मेकअप बहुत हैवी है. गाइस अगेन टू माय वेरी ओन यूट्यूब चैनल टुडे. गाइस एज यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड अगेन अ स्मोकी आई लुक. यू माइट बी नोइंग गाइस हाउ आई लव क्रिएटिंग स्मोकी आई स्मजी लाइनर लुक और मैट कलर्स. आई जस्ट लव टू प्ले विद ऑल दिस कलर्स इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मेकअप लुक्स. सो टुडे वन ऑफ दोज डेज वेयर आई हैव क्रिएटेड अ स्मोकी eye with, you know, using a matte blue color. तो मैट ब्लू कोल मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है, इसे स्मज्ड किया है एंड मैंने ब्राउन कलर का ट्रांजिशन क्रिएट किया है मेक टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी नो हार्श लाइन एंड इट शुड बी लुकिंग वेल ब्लेंडेड एंड स्मजी और एक स्मोकी लुक आना चाहिए. सेम एंड वहाँ पे एक मैंने ब्लैक कलर का कोल भी यूज़ किया है देन उसे मैंने ब्लैक पाउडर शेडो से मैंने स्मोक आउट भी किया है. सेम गोज विद द लोअर लैश लाइन गाइस. यहाँ पे मैंने एक मैक का स्टूडियो फिक्स कोल अप्लाई किया है देन मैंने यही सेम ट्रांजिशन शेड से स्मोक आउट किया है. यू कैन सी माय वाटर लाइन एंड द काजल इज लुकिंग एक्जैक्टली स्मोक्ड आउट एंड देर इज दिस हैवी कंटूरिंग द सिल्वर इन अ highlighter I have used because blue is a kind of, you know, cool tone color. So I have given a silver highlighter to this entire makeup look and I have used the same color to highlight my brow bone area. There is heavy contouring on my nose. My nose are looking exactly sharp and I have applied the highlighter as well guys. That is this nude lipstick which I have used from K Beauty. And later on I've mixed it because on camera the desired color was not reflecting. So I've mixed two colors from Maybelline and K-Beauty. So after that the desired color has come for this particular look. As guys you can see my eyes are looking very heavy and that is I have wore also eyelashes to complement this look very well. So uske accordingly maine nude lips ko nude rakha hai guys. You can see there is this coming up on my face guys, so I have just covered it up to applying the makeup but I cannot change the texture of my skin. You can see here, so this is just one more thing I would just like to add and highlight to my this video guys. So for that you have to make sure ki aapka skin preparations and aapka skin care bahut acha ho. You cannot hide the texture of your skin. So if you do like this content, if you do like this effort of mine, then please like, share and subscribe to my very own YouTube channel today. You know how to appreciate this channel and this video very well. Please also do follow my Instagram account for a better makeup content. जो भी link है इस look को create करने के लिए मैं वो इसी description box में दे दूँगी. So you can just make sure to check the below description for the desired link of this particular look curated today. And as of now, Allah Hafiz. See you next time with the next upcoming video of mine.